घोसी में उपचुनाव हो रहा था, यहाँ से समाजवादी पार्टी को घोसी की जनता ने जिताया था और यहाँ के प्रत्याशी ने यहाँ की जनता को धोखा देने का काम किया, जिसके लिए अनावश्यक चुनाव थोप दिया। ऐसा क्यों किया जो ये छोड़कर दूसरे में चले गए? अब मुझे लगता वो सत्ता के बगैर सत्ता के लालच में यहाँ की जनता को धोखा दिया और जनता यहाँ की अब सत्ता के लालची लोगों को भी सबक सिखाएगी और बीजेपी को भी सबक सिखाने का काम करेगी। 22 में भी बीजेपी जीती नहीं थी, बेईमानी से जीती है। जो पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल बना था वो समाजवादी पार्टी की सरकार और माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता ने वोट दिया, लेकिन बीजेपी अपने बेईमानी से जीती है। और वो बीजेपी जो अपने पर घमंड करती थी कि हमें कोई एक सीट भी घटा नहीं सकता, तो 47 से उत्तर प्रदेश की जनता ने 125 तक पहुँचा दिया और लगभग 80 सीटें 5000 वोट के अंतर से हम हार गए, लेकिन वोट परसेंटेज 36% मिला। और उत्तर प्रदेश की जनता ने तो माननीय अखिलेश यादव जी के लिए बहुमत दिया था, लेकिन इनके कलेक्टर और कप्तानों ने हमारी माननीय अखिलेश यादव जी को और गांव गरीब की सरकार बनने से रोकने का काम किया। अब ये मऊ घोसी का इकलौता उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है, यहाँ मऊ की जनता घोसी की जनता अवसरवादियों को भी सबक सिखाएगी और जिन्होंने जो वादा खिलाफी की थी उनको भी सबक सिखाने का काम करेगी। और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री सुधाकर सिंह जी को भारी मतों से विजयी बनाएगी और हम लोग भी अपील करने आए। सर, दारा सिंह तो आपके साथ थे, तो फिर क्या रीजन था कि फिर बीजेपी में आना पड़ा है? अब वो तो जनता जन जन तक का बच्चा बच्चा चिल्ला रहा है और बच्चा बच्चा कह रहा है कि इन अवसरवादियों को सबक सिखाएंगे। और एक ही अवसरवादी को नहीं, कई अवसरवादियों को इसी घोसी के चुनाव में जनता सबक सिखाने का काम करेगी। वो अवसरवादी वो केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए गए हैं, अपने समाज के स्वार्थ के लिए नहीं गए हैं। और इन्हीं निजी स्वार्थियों को, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे डॉक्टर संजय निषाद जी हो और चाहे दारा चौहान जी हो, इनको इनका समाज ही इनको सबक सिखाने का काम करेगा। बताइए, राजभरों का आरक्षण किसने लागू किया था? माननीय अखिलेश यादव जी ने आरक्षण लागू करने का काम किया था। निषाद, कश्यप, बिंद, मल्ला, केवट, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार, रैकवाद, तुरैया, राजभर, भर, कुम्हार, प्रजापति को आरक्षण किसने दिया था? माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था। उस आरक्षण को खत्म किसने कराया? बीजेपी ने खत्म कराया और डॉक्टर संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर और यही दारा चौहान ने खत्म कराने का काम किया था। और यहाँ की जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी पे बड़ा भरोसा करके इनको जिताने का काम किया था और इन्होंने जनता को धोखा देने का काम किया है। इन अवसरवादियों को जनता सबक सिखाने का काम करेगी। ओम प्रकाश राजभर खुले मन से कहे कि अखिलेश यादव को सफाई भेज दूंगा। अब वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, थूक के चाटने वाले लोगों की क्या बात है? आप बताइए, जिस राजभर समाज की गर्दन बीजेपी ने काटी है, जिस राजभर समाज का आरक्षण बीजेपी ने खत्म किया है, जिनके लड़के कलेक्टर कप्तान बन सकते थे, थानेदार बन सकते थे, वो हक अधिकार किसने दिया था? माननीय अखिलेश यादव जी ने। आज उनके साथ में खड़े होके अब बीजेपी में जाके क्या बोलेंगे? झूठी तो बोलेंगे। अब वो तो स्वयं कहते थे बीजेपी में सबसे ज्यादा बीजेपी में झूठ बोलने वाला देश में कोई नेता है तो मोदी जी को कहते थे और योगी जी को कहते थे।